परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब पुण्यात्मा, अब यहां ब्रह्मा और विष्णु की तो उत्पत्ति बता दी, यहां विचलित हो गया ये शिव पुराण का अनुवाद करता, इसने यहां गोल मोड़ कर दिया। लेकिन कहते हैं चोर चुरावे तोमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवन सच्चाई छनी ना। कहां तक छुपाएंगे अब दिखाता हूं आपको, कल भी दिखाया था आज फिर दिखाऊंगा। क्योंकि पुण्यात्माओं एक सिलेबस होता है क्लास का, बच्चे रहकर टीचर उनको बार बार रिवाइज कराते हैं, उसका रिपीटेशन करवाते हैं, आवर्ती कराते हैं, जब जाकर वो बच्चे उससे परिचित होते हैं। तो दास एक टीचर है, आप विद्यार्थी हैं, सौभाग्य आपका आपके इसमें प्रवेश पा लिया, तो इसको सफल करो। हम एक रोजी रोटी के लिए और 20 वर्ष तक बच्चों को पढ़ाते हैं, जब हो सकता किसी को मिले रोटी, रोजगार ना मिले, बाकी हम फिर भी उसमें लगाए रहते। और ये तो एक अनमोल वस्तु, इस भक्ति और इस कमाई का तो ये तो निष्फल जा ही नहीं सकती, तो इसलिए आप इसमें एक विशेष रुचि लो। अब देखिएगा यही शिव पुराण, इसमें है एक विद्वेश्वर संहिता, थोड़ी सी झलक दूंगा बस, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक समय ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई होगी, झगड़ा युद्ध। ब्रह्मा कह रहा था मैं तेरा बाप, विष्णु बोला मैं तेरा बाप, किसी बात पर इनका युद्ध हो गया, लंबी कहानी है। तो इस काल ने सोचा ये लड़के मर जाएंगे, इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, सफेद तेजो में पिलर, बहुत लंबा चौड़ा। ये युद्ध भूल गए आपस में, उसका और छोर खोजने में लग गए, लंबी कहानी है। फिर यू आ गया अपने पुत्र सदाशिव का रूप धारण करके, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं अपने यथार्थ रूप में कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा। तो इस ये किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है, ये किसी को शिव रूप में और किसी को ब्रह्मा रूप में। तो वहां ये शिव रूप धारण करके आ गया। अब देखिए ये है विद्वेश्वर संहिता और ये है संक्षिप्त शिव पुराण 24वां पृष्ठ। यहां इन दोनों का झगड़ा हो रहा था, बीच में इसने ये सतम खड़ा कर दिया। अब यहां आ जाते हैं, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभो इस ज्योत निरंजन काल से सदाशिव से, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल रूपी ब्रह्म बोला, मेरे कर्तों को जानना अत्यंत ज्ञान है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। आगे चलेंगे, अब हम आगे 26 पृष्ठ पे। इसने कहा कि पुत्रो, अब हो गया ना इनका बाप ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये, पुत्रो तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सती थी नामक 2 कृत प्राप्त किए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप मेरे जैसी सकल के रुद्र और महेश्वर ने, युने है, 2 अन्य उत्तम कृत सहार और त्रोभाव मुझ से प्राप्त किए हैं। ये 5वां कौन है, ये 4 तो ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र हो गए। इस महेश का एक सकल है रुद्र, और वो 11 रुद्रों का कंट्रोलर है वो रुद्र, वो अलग है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग है। तो ये 5वां जो बोल रहा है, यू हैव काल दुर्गा का पति। अब हमने यहां से इतना ही लेना था, पहले दास ने परमात्मा के द्वारा बताई सृष्टि रचना सुनाई, और अब इन सदग्रंथों में प्रमाणित हो रही है, तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है हमको देव बता। तो इस कथा से
आपको सौंदर्य सिद्ध हो जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और इनका दादा कौन है, इनका दादा है कबीर जी, वो सत्य पुरुष जिसने इनके पिता ज्योत निरंजन को जन्म दिया और उसी से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ इस ज्योत निरंजन काल से। तो इनका दादा कौन है, कबीर सत्य पुरुष, वो परमेश्वर है। जो आज दास सत्संग शुरू करना चाह था कर रहा था उसकी तभी तक भूमिका बनी है। अब क्या हुआ, इन तीनों देवताओं का दुर्गा ने ब्याह कर दिया, अपने ही तीन रूप बनाए, सावित्री लक्ष्मी और पार्वती, समुद्र में छुपा दिए अपने वचन से, तीन लड़कियां युवा बना दी। और ये जब युवा हुए इनको कोमा से बाहर कर दिया, इन तीनों का विवाह कर दिया, इनसे फिर आगे काल की सारी सृष्टि चली। अब दास जो आज प्रसंग शुरू किया था वो शुरू होगा मेरा तय काम जो बताना चाहूं था। अब धर्मदास जी ने पूछा, हे परमात्मा हमने तो हम बड़े नीच और पामर प्राणी हैं, हे भगवान हमने आपके साथ धोखा किया, आपके साथ चीटिंग करी और फिर भी आप हमारे लिए भटक रहे हो, कैसे दया करी दाता। तो परमात्मा ने कहा कि जब यहां ये प्राणी इतने दुखी हो गए, हाहाकार माच गई, परमेश्वर ने कहा कि उस समय जब यहां हाहाकार माची धर्मदास, मैं अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के, जिस पुत्र के रूप बना के इनको निकाला था उसी का रूप बना के मैं वहां खड़ा हो गया जहां 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी स्त्री और पुरुष वहां भूनने जा रहे थे तपस्या में, और चटक पटक जीव करे थे, उन्हों चटक पटक कपड़े थे, बुरा हाल हो रहा था। तो वहां मेरे जाने से सभी जीवों की वो तपत तो खत्म होगी, वह टुकड़ी वह तपस्या ऐसे की ऐसी जल रही थी लेकिन मेरी रजा से उनको आंच नहीं लगे थी, सभी बैठ के या तो रो रहे थे, फिर सामने देखा मुझे देखकर कहा कि हे भगवान हम यहाँ कौन से पाप का कर्म भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, क्योंकि सबको ये मालूम है अपने किए का कर्म भोगना पड़ता है। तो परमात्मा ने कहा, भाई ये जो तपस्या पर दुख है ना, ये यहाँ का नहीं, ये सतलोक में तुमने गलती करी थी, वो दंड है। तब सारी सृष्टि रचना सुनाई, तो वहां तो सारे दुखी थे, सबको मालूम था, ना कोई बेटा साथ था, ना बेटी साथ थी, ना कोई संपत्ति साथ थी, ना कोई रिश्तेदार साथ था, एकले भुन रहे थे, पिट रहे थे वहां पर। तो वहां सभी ने स्वीकार किया जो मालिक बता रहे थे और कहा, हे भगवान हमें छुटवा लो काल अन्यायी से। परमात्मा बोले, ऐसे नहीं। अब यहां परमात्मा ने कहा कि जोर करूं तो मेरा वचन नसाई, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम सत सबद स्नेहा। जब तुम संसार में जाओ, मनो शरीर प्राप्त हो और मेरा कोई दास इस सच्चे ज्ञान को और सत्य नाम को सुना रहा हो, बता रहा हो, तब उसकी शरण में चले जाना, तब तुम्हारा मोक्ष होगा, ना तो नहीं हो सकता। तब उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, अब कद जन्म मनुष्य का हो गया, पूर्ण संत खोजवाएंगे और आपकी शरण आपकी भक्ति कराया करेंगे, और पूजा हम करेंगे नहीं। यहाँ तो ये फिर तीनों गुण इनको मित कर देते, इनको ज्ञान नहीं कहाँ थे, कौन जन्मे थे, ऐसा जुल्म कर रखा हमारे साथ। तो फिर क्या हुआ, परमात्मा ने कहा कि वहाँ वो ऋषि मैं ऋषि भी वहीं भुन रहे थे, भुनने जा रहे थे, जो यहाँ मंडलेश्वर पाक रहे थे। तब परमात्मा ने कहा, तुम निराकार बताते हो इस काल को, ज्योत निरंजन को, अभी आएगा तुम्हें खाने के लिए, देखो वो आ गया सामने, वो साकार है, नर आकार है, ओछा माथा उसका दो उंगल का और ऊंचा ऊंचा स्वर्ण भयंकर सा चेहरा से देव आ रहा सामने। परमात्मा बोले, अब तुम जाओ यहां से। परमात्मा ने उन सभी को वहां से उड़ा दिया, वो आगे अपने कर्माधार से जहां पर किसी ने पशु बनना था, पक्षी बनना था, धर्मराज से लेखा करवा के चले गए। अब जब उस काल ने देखा सामने,
जोगजीत खड़ा है, जिसने मुझे निकाला था वहां से, इतना तो वो जान गया कि कोई परमात्मा का संदेश लेकर आया है ये। थोड़ा सा उसको डर भी था, कहीं यहां से भी निकालने ना आ गया वो मन, यह गलती मैं इनको दुखी कर रहा हूं। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा कि जोगजीत तू यहां क्यों आया, परमात्मा का कोई वचन है तो मुझे बता, आदेश दे और आज तुझे मैं ठीक करूंगा। तूने वहां से मुझे मार कर निकाला था और आज तू मेरे लोक में कैसे आ गया। तब जोगजीत रूप में खड़े परमात्मा ने कहा कि परमात्मा का आदेश लेकर मैं आया हूं और आपने सभी प्राणियों का कैसी दुर्गति कर रखी है, बुरा हाल कर रखा है, कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, किसी की टांग कटगी, किसी को कैंसर होगी, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी विधवा, ऐसा जुल्म। तो ये क्या कहता है कि मैं तो सत्कार राज करता हूं, जो जैसा कर्म करता अपना भोग रहा है, मैं क्या करूं। और इसने अपना एजेंट छोड़ रखा मन आत्मा के साथ, ये सारे उल्टे काम करावे और आत्मा के सिर दर्द दे कि यू इसने कराया। तो परमात्मा ने कहा कि निरंजन अब मैं किस लिए आया हूं ये और बता दूं। अखा बता दे, मैं नीचे जाऊंगा और तेरी पोल पाड़ूंगा और बताऊंगा ये भगवान नहीं है, ये काल है, ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें अपने आहार के लिए रोके हुए है, तुमसे ही बच्चे पैदा करवाता, ये खुद खाता है, जैसे कसाई बकरे पाला करता है, नर और मादा बकरे छोड़ देता है, वो उत्पत्ति करते हैं अपनी ममता में और विषय वासनावश होकर अर्खाता कसाई है, तो ऐसा है ये जाकर बताऊंगा। अपने आत्माओं, इस बात ने सुनकर भयंकर हो गया काल और परमात्मा कहते धर्मदास मेरे ऊपर ऐसे ऐसे टूट के पड़ा जैसे अब मार देगा मैंने। और अपने आत्माओं, यहां परमात्मा हमें सतर्क करते, हमें याद दिलाना चाहते, कभी भी कोई आपत्ति आवे, आपको जो मंत्र प्राप्त हो, प्रथम हो, प्रथम और द्वितीय हो, दो द्वितीय और तीनों मिल रहे हो तो सार नाम का सिमरण करें। ऐसी किसी प्रकार की आपदा हो एक बार जरूर सिमरण याद कर लेना। तो कहा कि मैंने सतनाम का सुमरण शुरू किया सांस उश्वास से, तो उसी समय ये काल या तो मुझे मारने के लिए झपटा था, ऐसे गर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाया करे और पड़ा पड़ा तड़फ रहा है, ऐसा डर गया कि वहां से भाग के पाताल में गिर गया। तो इसको पाताल से लिया निकाल के मैं और कहा चल ऊपर, तब ये घबरा गया, घना मेरे पैर पकड़ लिए और कहा कोई बात नहीं, आप बेशक नीचे चले जाना, लेकिन एक अर्ज है मेरी, तीन युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग में कितने जीव ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। और दूसरा ये कहा कि मेरा ज्ञान जो माने वो हमारा, आपके ज्ञान को जो माने वो आपका, बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। जब सारे वचन भरवा लिए फिर बदल गया गरगट की तरह, कहने लगा कि बेशक चले जाना जोग जी चौथे युग में, इन जीवों को इतना कंडम कर दूंगा ये भक्ति योग नहीं रहेंगे, इनको सब उल्टी साधना पर लगा दूंगा, देवी देवता पत्थर पहाड़ों की पूजा में इनको व्यस्त कर दूंगा और जब तुम जाओगे तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। परमात्मा बोले आप अपना काम करियो और हम अपना करेंगे। तब क्या कहा था परमेश्वर ने कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, कालबंध छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, 5,505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता, सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। तो परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवेगा तब हम अपना
एक दास भेजेंगे। अब वहां काल के सामने परमात्मा ने कहा कि हम अपना दास भेजेंगे, और कबीर वाणी चैप्टर में परमात्मा ने धर्मदास जी से, जब धर्मदास जी घने चिंतित हो गए थे कि हे परमात्मा, आपने सतनाम और सारनाम गुप्त रख दिया और इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, आपने मुझ किंकर के ऊपर दया करी दास पे, और 42 वंश भी पीढ़ी वक्ष दी मेरी वंश चलेगा, तो हे परमात्मा सारनाम और सतनाम बिना पार नहीं हो सकते, तो मेरे बच्चे कैसे पार होंगे। ऐसे कलेजा पकड़ के बैठ गया। परमात्मा ने सोचा भाई घना दुखी हो गया, तो परमेश्वर ने कहा कि सुन ले, काल ने क्या कहा था, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ नाम जो लेगी हमरे मुख में आन समोही, जावो जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। अब इतना समय नहीं रहा, मैं वो सारे प्रमाण आज नहीं दिखा पाऊंगा आपको कि 12 पंथ कौन कौन से हैं। तो 12 पंथ, बर्मा पंथ, गरीबदास पंथ बताया है लिखा कवि सागर में। तो परमात्मा ने कहा तू चिंता ना कर धर्मदास, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब, या बिचली पीढ़ी आवेगी, और बिचली पीढ़ी तक यो ज्ञान और तत्व ज्ञान और सतनाम सारनाम कति गुप्त रखना है, नहीं तो काल के दूतों का हाथ लग जाएगा, मेरा सारा मिशन खराब हो जाएगा। तो परमात्मा ने देखा कि यो बिल्कुल चिंतित हो गया घना। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास जब साची बताऊं तेरे ते, तब धर्मदास ने कहा कि भगवान आज कितना अच्छा समय है, कलयुग स्टार्ट है 1398 में और 1512 तक, और आज भी लोग ना मानते, और आप कह रहे हो आगे तो भयंकर कलयुग पैदा कर देगा, काल ऐसा जुल्म कर देगा, हाहाकार मच जाएगी, इंसान कृत गनी हो जाएंगे, तो उस समय कैसे पार होंगे, आज तो आप भी विद्वान हैं और फिर भी ना मान रहे ये लोग। तो परमात्मा ने कहा जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा और बर्मा वंश चल चुका होगा इस काल का, यानी गरीबदास पंथ तक, तो उस बर्म में पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा, और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि न पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की दशनता छोड़ दू। तब उसका दिल डट्या था, और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा, और घर घर देखो बोध विचारा और सतनाम सब ठोड़ उचारा। आप देख रहे हो आज ये ज्ञान गंगा घर घर में पहुंच गई है, ना कोई किताब खरीदनी है, इंसान देखा था किता है, या किताब बिकती देखी थी आपने इस गांवों के अंदर शहरों के अंदर, कोई सब्जी बेचे, कोई प्याज बेचे, कोई तोरी और घिया बेचा, ये तो देखी थी। तो परमात्मा ने कहा था घर घर देखो बोध विचारा, मेरे इस ज्ञान की चर्चा घर घर में शुरू हो जाएगी, और सारी सृष्टि नाम लेगी, और सतनाम सबको बताया जाएगा, और परमात्मा के उस परम पद की, सतलोक की सबको जानकारी होगी, पूरा विश्व व्यापार करूंगा। तो वो समय आ गया है पुण्यात्माओं, और ये दास है वो परमात्मा का भेजा हुआ दास, और आप सभी पार हो जाओगे। बोलो सतगुरुदेव। आत्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए, जिस पुण्यात्मा के, जिस प्राणी के युगों युगों के शुभ संस्कार उदय होते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है, और जिन जीवात्माओं को मानव शरीर के अंदर परमात्मा प्राप्ति की प्रेरणा होती है वो बहुत ही शुभ संस्कारी हंस होते हैं।
और जिनको सतगुरु मिल जाते हैं, सत साधना प्राप्त हो जाती है, वो बहुत ही अच्छी किस्मत वाले होते हैं। जैसे गुड बेटर बेस्ट, अब आप जो प्राणी हैं, जितनी पुण्यात्मा हैं, ये बेस्ट क्वालिटी के हैं, परमात्मा की अति प्रिय आत्मा हो। और जो मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति की रुचि नहीं कर रखते, वो पिछले जन्म से पशु पक्षी की योनि से आए हुए प्राणी होते हैं। और जिनके अंदर परमात्मा प्राप्ति की प्रेरणा होती है, वो पिछले जन्म भी मनुष्य थे। अपने आत्मा अध्यात्म मार्ग का ज्ञान ना होने से ये भिन्न भिन्न प्रकार के मत मतांतर प्रारंभ हो गए, जिनमें से एक सिरफिरा पंथ चल रहा है, ब्रह्मा कुमारी, वो एक प्रेत का चलाया हुआ है। और वो क्या कहते हैं कि मनुष्य तो मनुष्य ही रहेंगे और अन्य प्राणी ही बने रहेंगे। उनका यहां तक विधान है कि जो व्यक्ति आज जिस स्थिति में है, उनके विधान अनुसार तो यह सिद्ध होता है कि स्त्री स्त्री ही रहेंगी, मनुष्य मनुष्य ही रहेंगे। और उनका क्या विधान है कि आज कोई लंगड़ा है, अंधा है, काना है, गूंगा है या स्वस्थ है, तो 5000 वर्ष के बाद उसका वही नाम होगा, उसकी माता पिता का भी वही नाम होगा, वही गांव होगा, वही स्थान होगा, अंधा है तो अंधाय होगा। फिर बाढ़ में जाओ या भक्ति, क्या फायदा है भक्ति का? अकल है इन लोगों में? और इसके उसमें भी बिरना ना जाने कितने प्राणी उलझे बैठे। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने अध्यात्म मार्ग को समझना चाहिए और फिर गुरु ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा हम ऐसे ही अपना जीवन नाश करते रहेंगे। अब जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्मा के यथार्थ ज्ञान पर टिक जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तब तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। योगी मीन परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति, उसको भगत कहो, योगी कहो, साधक कहो। तो आज तक जितने भी मत हैं, जितने पंथ हैं, सबके भिन्न भिन्न विचार हैं, भिन्न भिन्न साधनाएं हैं, परमात्मा की परिभाषा से भी वो लोग परिचित नहीं है। तो उसके लिए परमात्मा आते हैं। आप जी को बहुत बार समझाया है, बहुत बार ज्ञान सुनाया है और सुनाते ही रहेंगे, क्योंकि ये ऐसा अनमोल ज्ञान है जो आपको दोनों लाभ देता है। जैसे कोई रोगी होता है और वो उसको भूख नहीं लगती, जबर जिसको हो जाता है, और मनुखा दाक, किशमिश, सेब, संतरे खाना जो प्रतिदिन खाता है, वो भी उसको कड़वा लगता है, जिभ पर रखा भी नहीं जाता, थूक देता है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? कड़वी गोली ही खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी। जैसे मलेरिया हो गया तो उसमें कुनीन खानी पड़ेगी,
और कड़वी लगो तो लगो वो खानी ही पड़ेंगी, फांकी मारनी पड़ेंगी, और तभी वो रोग नाश होगा। फिर वही जो कड़वी लगने वाली रोटी मनुखा दाख वो फिर स्वादिष्ट लगेगी। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आपको रह रहकर सुनना पड़ेगा। इस सत्संग से ही ये दोनों काम होंगे, आपका जबर भी उतरेगा और इसी सत्संग के सुनने से ये कुनीन का काम भी करेगा, क्योंकि प्रथम बार जो व्यक्ति सुनता है, एक दो प्रकार के श्रद्धालु आते हैं। एक तो ऐसा होता है उसको जैसी भी परंपरागत साधना है वो कर रहा है, और उसको फिर ये ज्ञान सुनने को मिलता है, उसको अच्छा सा नहीं लगता परमात्मा की भक्ति, क्योंकि उसके पाप कर्मों के कारण उसके अंदर वो अंतःकरण के अंदर ये पाप कर्मों का जवर बन गया, और उन पाप कर्मों के कारण उसको आज भूख, वो परमात्मा की ये अमृत वचन रूपी मनुखा दाख भी नहीं अच्छी लगती। या तो उठकर चल पड़ता है, या वैसे किसी के साथ फुसर फुसर करेगा, उसको ये कह दिया जाए कि भाई शोर ना करे, सत्संग सुनने दे, तो या तो उठकर चला जाएगा या लटके लेने लग जाएगा, बैठा बैठा नींद लेगा। तो वो उसके अंदर पाप कर्मों का इतना प्रभाव है कि उसको ये अच्छी नहीं लगती परमात्मा की कथा। तो उसका यही उपाय है कि वो ना चाहते हुए बैठा रहे और सुनता रहे, अच्छी लगो ना लगो। इस वाणी के अंदर इतनी शक्ति है कि कुछ पापों को इस वाणी के श्रवण मात्र से और इस वाणी के चल रहे इसकी रेंज में वैसे भी बैठे रहने से कुछ पाप नाश होते हैं, जो ज्ञान यज्ञ से ही हुआ करते हैं। तो इसलिए पुण्यात्मा उसको ये कुनीन का भी काम करेंगी, और जब वो जबर उतर जाएगा, अंतःकरण के अंदर जो पाप प्रभाव था वो कम हो जाएगा, उसके बाद फिर ये मनुखा दाख का भी काम करेगी। इतनी अच्छी लगेगी, जैसे बुखार उतरने के बाद स्वस्थ हो जाता है प्राणी, फिर उन्हीं रोटियों को न सब्जी की आवश्यकता समझता, इतनी जबरदस्त भूख लगती है। भूख लगी होती है, घर वाले कहते हैं सब्जी बना देते हैं, रोटी तो है, वो कहता रोटी आण दे, सब्जी फिर देखूंगा। इतनी जबरदस्त भूख लगती है, और जब उसमें वो अस्वस्थ होता है तो तीन प्रकार की सब्जी बना दे, नहीं खा सकता। तो पुण्यात्माओं, जिन पुण्यात्माओं की ये पाप कर्म अंतःकरण के समाप्त हो गए, उनकी आत्मा स्वस्थ होगी इस ज्ञान के सुनने से। आज वो हजार हजार किलोमीटर से, 1500-1500 किलोमीटर से चलकर इतनी भूख बढ़ गई उनमें, ये मनुखा दाख राम नाम की ये आहार करने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंच रहे हैं। तो इसलिए ये ज्ञान आपको बहुत बार सुनाया है और रह रहकर सुनाते ही रहेंगे, ये दोनों काम करेगा। जिसको किसी कारण से भी कोई फिर से अस्वस्थ आत्मा होने लगती है, तो इस ज्ञान के सुनने से, ये एंटीबायोटिक कैप्सूल खाने से वो फिर से पाप नाश हो जाते हैं, आत्मा फिर स्वस्थ हो जाती है। क्योंकि अपने जीवन में छोटे मोटे रोग आ ही जाते हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट चलता रहता है, जीवन बना रहता है। ठीक इसी प्रकार सत्संग में आने से, परमात्मा के वचन सुनने से आत्मा किसी कारण से फिर पापग्रस्त हो जाती है और कुछ अरुचि बनती है साधना में, तो सत्संग सुनने से, दर्शन करने से, प्रणाम करने से, आशीर्वाद लेने से वो फिर से पाप कट जाते हैं, स्वस्थ हो जाती है। तो इसलिए आप जिन्हें सत्संग को रह रहकर सुनना चाहिए, एक सत्संग की तरह सुनना चाहिए। समय निकालो, घर पे कभी बैठे हो, छुट्टी हो,
सत्संग चलाओ, एकाग्रचित से सुनो, एक एक वाणी पर ध्यान दो क्या कहा जा रहा है, फिर उसको को छोटी मोटी मन में दोष होता है तो फिर स्वस्थ वो तुरंत सेट हो जाता है। तो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए स्वयं ही आते हैं, सभी वेद प्रमाण करते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर यजुर्वेद अध्याय नंबर 29 मंत्र 25 में, और भी बहुत से स्थानों पर परमात्मा की महिमा का वर्णन है। उसमें क्या लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जिसने सब जीवात्माओं को भी उत्पन्न किया है, वो ऊपर के लोक में धू लोक माने तेजो में लोक में उसके तीसरे पोर्शन में बैठा, टॉप मोस्ट प्लेस पे, और वहां से गति करके आते हैं और इतनी तेजी से आते हैं जैसे बिजली विद्युत आके ऊपर आकाशीय बिजली चलती है। और किस उद्देश्य से आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक वही बताते हैं। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं, काल ने सभी को भ्रमित कर रखा है, परमेश्वर आते हैं, अपना यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उस ज्ञान को ग्रहण करके परमात्मा की भक्ति करके सतलोक चले जाते हैं, 84 लाख योनियों के कष्टों से बच जाते हैं। तो इसी उद्देश्य से परमात्मा चारों युगों में आए, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, ईरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। परमेश्वर कबीर साहब जी कहते हैं, हम चारों युगों में आए और चारों युगों में मैंने अपनी प्यारी आत्माओं को ये ज्ञान सुनाया, जो दृढ़ भक्त थे, अच्छी आत्माएं थी, उन्होंने मेरे इस ज्ञान को स्वीकार किया और मुझसे परिचित होकर मेरे लोक को देखकर, सतलोक को जहां मैं रहता हूं वहां ले जाकर परमात्मा ने उनको वापस छोड़ा। प्रत्येक युग में 1, 2, 4 आत्माओं को ऐसे किया। कलयुग के अंदर जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, जो दास के नॉलेज में है और जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मनुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला बागपुर उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी बनारस काशी उत्तर प्रदेश वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और उनको सचखंड लेकर गए जहां भगवान रहते हैं, जहां हम पहले सभी रहा करते थे। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आज तक काल ने इतना दबा दिया था कि किसी का भनक नहीं पड़ गया, और अब ये परमात्मा ने सार्वजनिक करना था, यह समय निर्धारित पहले ही कर दिया था, वो समय आ गया, वो ठीक का समय आ गया। अब तो अब ये पूरे विश्व में फैलेगा और सबको चाह है भगवान की। अब भूल में चाहे कोई कितनी गलती कर रहा है, उस काम को अच्छा मान रहे। कोई कसाई है, बकरे काटे, गाय काटे, भैंस काटे, तो वो भी न मान रहा है, ठीक है, दादा करे था, पड़दादा करे, यही काम कर रहा था,
और पिताजी भी यही कर रहे थे, कोई नो प्रॉब्लम। अब कोई शराबी है, शराब पी कर उसी को अच्छा मान रहा है, कोई रिश्वत लेता है, बड़ा अधिकारी बनकर बड़ा आनंद मान रहा है। जब उसको ज्ञान होगा ये जहर दिखाई देगा और छुए भी नहीं का, ऐसे क्रम फोड़े फिर कैंसर हो जा, टांग कट जा, अंधा हो जा, अगले जन्म में फिर कुत्ते गधे सूअर बनकर कहाँ घूम रहे होंगे। तो हमने केवल अपने इस वर्तमान की चिंता है और परमात्मा ने आपके भविष्य की गणी चिंता है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में भी इसका प्रमाण है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मैंने अभी आपको जो 25 से लेकर 30 तक आपको जो ज्ञान बताया कि कोई तो देवताओं की पूजा करके निश्चिंत है, कोई केवल व्रत उपवास रखता है, कोई योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय करके ही अपना मोक्ष मान रहा है, और कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों को ही करके ये समझ रहा है मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, जैसे ये जैनी घूमा करते हैं। तो परमात्मा ने फिर गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये सब अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, यानी पापनाश होंगे तो मोक्ष होगा। सभी इसलिए कर रहे हैं कि जो साधना जो भी कोई कर रहा है उसने बढ़िया मान रहा है, सही मान रहा है, नहीं तो उसको पता लग जाएगी दिशा गलत है, तुरंत छोड़ देगा। तो वो सब अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, यानी सही मान रहे हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोली है, उसमें विस्तार से कही गई है, उसको सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान कहते हैं। उसको जानने के बाद तो सभी पाप कर्मों से मुक्त होगा। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, इस दर्वे में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। कहने का भाव यह है कि अंधाधुंध आंखें बंद करके देखा देखी ये दर्व यज्ञ करना, कित कांबल बांट दिए, कित धर्मशाला बनवा दी, कहीं भंडारे कर दिए और किसी को दक्षिणा दे दी, कहते ये इस प्रकार बगैर विवेक के, बगैर जानकारी के ये दर्व में यज्ञ करने की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी तत्व ज्ञान समझ, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे जो ज्ञान दे फिर उस तरह करो। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संतों किसके पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 65 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मुझे नमस्कार कर, मेरा भक्त बन, नो इसमें कोई संदेह नहीं, तू मुझे ही प्राप्त होगा। अपने को भी केवल प्रणाम करने का उसने दिशा निर्देश दिया है और तत्वदर्शी संत के लिए कहा, उसको दंडवत प्रणाम की जाती है। तो उसने कहा है कि उनको दंडवत प्रणाम करने से, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, वो तत्व ज्ञान तुझे सुनाएंगे। तो परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करने आए थे। जब रामानंद जी 104 वर्ष के वयोवृद्ध महापुरुष थे, ब्राह्मण थे, चारों वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद कंठस्थ याद कर रखे थे, परमात्मा लीला में आयु में 5 वर्ष के थे, उस समय रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध ब्राह्मण थे, और उस समय परमात्मा ने उसके ज्ञान को फेल करके और सतलोक लेकर गए। वहां परमात्मा को देखकर रामानंद जी ने जब वापस आया, समाधि टूटी उनकी, तब कहा था दोहू ठोड़ है, एक तू भया एक से दो, और कह
गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगजो। अब इसमें गरीब दास जी की जो साथ में नाम आता है, ऐसा समझो जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण की घटना या कथा जो कि तो अपनी लैंग्वेज में चित्रार्थ कर रखी है, इसलिए तुलसीदास जी का नाम आता है, लेकिन गुणगान श्री रामचंद्र जी के हैं। तो इसी प्रकार गरीबदास जी को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, वहाँ से फिर वापस छोड़ा था, उसके बाद परमेश्वर ने उनका ज्ञान योग खोल दिया था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ लिखी, आँखों देखी, तो क्या कहा, दोहु ठोर है एक तू बया एक से दो, गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगजो। रामानंद जी कह रहे हैं, गरीब दास जी बता रहे हैं, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीब दास सब रूप के तुम ही सृजनहार। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। अपने आत्माओं, वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलियुग नाम कबीर धराया। तो परमात्मा जब कलयुग में सन 1398 में सतलोक से सह श्री राय संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्ण मासी यानी ज्येष्ठ उत्तरते की पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा सतलोक से आए, शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। वहां से नीरुनिमा नाम के एक जुलाहा दंपति निसंतान थे, परमात्मा को उठा ले गए। इसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक रामानंद जी के शिष्य ऋषि अष्टानंद जी, जो उसी सरोवर लहर तारा सरोवर के ऊपर स्नान करके वहां कुछ देर के लिए अपने गुरु जी द्वारा बताई साधना को किया करते थे। उसी दौरान परमात्मा सतलोक से आकर उस कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। आज का जो विषय है उसको उठाते हैं, ये थोड़ी सी भूमिका बनानी थी। अपने आत्मा परमात्मा यहाँ आते हैं, हम सभी चाहे आज ब्राह्मण हैं, चाहे हम कोई अन्य कास्ट में जन्मे हैं, और चाहे हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख या ईसाई या कोई अन्य किसी भी मजहब धर्म से संबंध रखते हैं, हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, कबीर साहब के। चाहे कोई चींटी है, हाथी है, मच्छर है, माखी है, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ये सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं। उस मालिक को ये सभी इतने ही प्यारे हैं, जैसे दास ने कहा था, अभी ऐसा ही है जिस भी कोई भी माता पिता का कोई कैसा ही बालक हो, चाहे वो अपाहिज हो। दास ने देखा कि एक जन्मजात एक बच्चा ऐसा था, बिल्कुल हाथ भी टेढ़े, मुंह भी बंगा, लाल पड़े, ना बोल पावे, उसकी माँ और उसके पिता उसको इतना प्यार करते थे, उसको उसकी लाल पूछा करती थी उसकी माँ बुरी तरह, फिर मुंह धो के फिर से लाड करती थी, जबकि वो 12-13 साल का उस पर पड़ा रहता था चारपाई पे। तो पुण्यात्माओं, हम उस परम पिता के बच्चे हैं, और आज चाहे कोई गधा है, चाहे सूअर बनया है, चाहे कुत्ता बनकर दुख पा रहा है, उस परम पिता को इतने ही प्यारे लगते हैं, चाहे कोई गाय है, भैंस है, मुर्गा है, बकरा है, और जो इनके इनको तंग करता है, खाता है, मारता है, उस परम पिता को बहुत कष्ट होता है। और इस काल ने हमारे साथ ऐसा जुल्म कर रखा है कि वो हमारे पिता के साथ प्रतिशोध ले रहा है। इस निकम्मे ने गलती तक खुद करी, वहां जब इतना वहां सुख सथल था,
कोई कमी कहे की थी नहीं। इसके बकवाद भाई तपस्या करी, अलग राज लूंगा बता, चाहे 100 ब्रह्मांड ले ले, एक चारपाई पर सोना है, चाहे 20 कमरे की कोठी बना ले, एक चारपाई पर एक कमरे में एक कोण में पड़ा रहना है जीव ने, बाकी बकवाद किस लिए। ये इस जैसी ही वृत्ति हमारी होगी। और फिर जब इसने उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, गलती आप करी, परमात्मा ने निकाल दिया तो उसका दुश्मन बन गया। अब हम आगे गलती से उस परम पिता के बच्चे इस काल के जाल में, अब इसने प्रतिशोध ले रखे हैं। आप देख लो जब कोई जीव सुखी हो, सारी ऐसी मर्यादाएं बना दी, जैसे घर में देख लो, घर घर में माँ भारत रोज होती है, ऐसा संयोग बना रखा कि जैसे सास तो होगी 50 वर्ष की और बहू होगी 18 और 20 वर्ष की। अब 50-55 वर्ष के व्यक्ति का और 18-20 वर्ष के बालक की कदे भी नेचर ना मिले, और दोनों ने घर में रहना, दोनों का खड़ा दोनों एक्सीडेंट रहेगा, तो चैन होने नहीं देता। इसने इस ढंग से सेट कर दिया। तो पुण्यात्मा इसका और कोई विकल्प नहीं है, एक तो ज्ञान समझे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नवीन पांचाल है। नवीन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं दिल्ली कृष्ण विहार का रहने वाला हूँ। नवीन जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर 30 अप्रैल 2011। नवीन जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आशुतोष जी महाराज के शिष्य थे। सर आशुतोष जी महाराज से हम 2 साल तक लगभग जुड़े रहे। उससे पहले जी हम राजेंद्र सिंह जी महाराज जी के यहाँ भी जाते थे, और राजेंद्र सिंह जी महाराज जी के यहाँ भी पिताजी जैसे लेके जाते थे, 2-2.5 साल से वहाँ पे भी जा रहे थे। और बाकी हिंदू धर्म में जो प्रचलित देवी देवताओं की पूजा है वो सब करते थे। सर आपने बताया कि आप आशुतोष जी महाराज के साथ 2 साल से जुड़े रहे, फिर आप राजेंद्र सिंह जी से जुड़े, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? पापा जी जी बहुत बीड़ी पीते थे, आशुतोष जी महाराज के यहाँ पे थे, राजेंद्र सिंह जी महाराज जी के यहाँ थे, उनकी बीड़ी नहीं छूटी जी, खूब बीड़ी पीते थे जी वो। तो जी हमारे पड़ोस में एक माई है सुनीता माई ने उन्हें बताया पापा को कि जी आप सत्संग सुनो, और वहाँ पे सबसे पहला नियम यही है किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, बीड़ी नहीं पीनी है। और पापा की बीड़ी ऐसी थी कि जी बीड़ी से बीड़ी लगाते थे, वो बीड़ी खत्म हुई बीड़ी लगाई, मतलब कि 2 बंडल थे उनके जी रोज के। तो पापा जी गए जी दौलतपुर रोड, हमारा बरवाला आश्रम है, वहाँ पे गुरुजियों से नाम ले लिया, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके घर पे आ गए। तो गुरुजियों के जो आदेश थे, नियम थे, ये अनुपासना वगैरह नहीं करनी, तो पापा ने कोई पितृपूजा नहीं करी, तो मम्मी ने काफ़ी विरोध कर दिया जी घर में, कलेश कर दिया मतलब बुरा, कि आपने इतने गुरु बनाए, उन्होंने काफ़ी गुरु बनाए हैं आशुतोष जी महाराज और ये अपने राजेंद्र सिंह जी, तो आज तक तो आपने नहीं छोड़ा, भी है तुमने क्या नए गुरु बना लिए जिन्होंने पूजा भी छुड़वा दी है। पापा कहने लगे भाई कुछ भी कर, मैंने नाम ले लिया, मैंने गुरु जी बना लिए हैं, मैं नियमों पे रहूँगा। तो जी मम्मी ने काफ़ी कलेश करा, फिर मम्मी ने ये बात कह दी कि आपने तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया, तो कहीं संत रामपाल जी महाराज से किसी बच्चों को नहीं लगाओगे? पापा कहने लगे चल ठीक है। तो जी पापा ने आज तक मेरे को कभी जगाया नहीं था सोते हुए को। एक दिन उन्होंने मुझे सुबह 5:30 बजे आवाज़ लगाई कि भाई चल। मैंने पूछा कहाँ चलना है जी? क्या आश्रम में चलते हैं। मैं कहा जी चलो, मैं घूमने के पर्पज से गया था सर कि घूम आऊँगा, जैसे पापा वहाँ का काफ़ी बखान करते थे भाई, इतने बाथरूम है, खाना भंडारा, अच्छी व्यवस्था, भाईचारा, इतना प्रेम रहता है वहाँ पे, सब में आपस में बहुत प्यार है। तो मैं घूमने के पर्पज से चला गया जी। मैं गया वहाँ पे, सत्संग चल रहा था, सत्संग में जाके बैठ गए, थोड़ी देर बाद सत्संग समाप्त हुआ जी, हलवे का प्रसाद आ गया। हलवे का प्रसाद खाने के बाद भक्तों ने वहाँ नियम बता दिए कि भाई ये नियम है, यहाँ पे मानने पड़ेंगे। जैसे उन्होंने नियम बताए तो जी मैंने मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ, एक भगत थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे समझाया, तो मैं उनके साथ चल दिया। मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने गया था, तो मेरे मन में ये था कि मैं नाम लेके आऊंगा और जाते ही छोड़ दूंगा, ये क्या मेरे पीछे पड़े रहेंगे या मेरे साथ साथ रहेंगे, ठीक है जी। तो मेरे यहाँ पे एक धागा बन रहा था जी, मेरे नाप इतनी ज्यादा होती थी, हल्की सी मैं दौड़ मार लेता या वेट उठा लेता तो मेरी नाभि गिर जाती थी जी, नाभि इतनी गिर जाती थी। हमने वैद्यों से, डॉक्टरों से, और ये पैरों में बांधते हैं, सबसे इलाज करवा लेता, वो ठीक नहीं हुई थी। तो जी मैंने तोड़ के वो लगा दिया, मैं कहा चल नाम ले ही रहे हैं तो नाम ले लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो जी मेरे साथ तो भगवान ने पहले दिन से चमत्कार किया
कि पहले दिन से और आज 2019 चल रहा है ये, आज तक मेरी वो नाभि नहीं गिरी है। नाभि डिग जाना होता है ना, नाभि डिग जाती है जो कुछ खाया नहीं जाता, वो नाभि डिग जाती थी जी मेरी, आज तक मेरे साथ वो दिक्कत नहीं आई है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई मैं नाम छोड़ूंगा जाते के साथ ही। अब जी मैं आया बाहर तो होता है, जैसे पहले भी हम गुरुजी के यहाँ जाते थे तो सेवा वगैरह करते थे, तो उस दिन मुझे वहाँ वेट की थोड़ा सा ना आटे वगैरह की, कट्टे वगैरह की सेवा कर रहे थे कहीं वक्त, मेरे को किसी ने नहीं बोला, मैं अपने आप ही सेवा में लग गया। तो जी मैं सेवा में तो लग गया, मैंने सेवा भी कर रहा हूँ, काफ़ी 50-50 किलो के वेट के कट्टे थे, वो उठा के इधर ले जा रहे थे ट्रक में से उठा के। फिर मेरे को बाद में याद आया, मैं कहा यार तेरी तो 10 किलो वजन उठाने से नाभि गिर जाती थी, नाभि डिग जाती थी, और तेरे साथ ये खेल क्या हुआ है। तो जी मुझे विश्वास हो गया, मैं ये परमात्मा है, ये कुछ ना कुछ तो शक्ति है, कुछ दिन चल के देखते हैं। तो जी भक्ति में दृढ़ होते गए धीरे धीरे, आगे और भी भगवान ने लाभ किए। इस प्रकार जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद जी काफ़ी लाभ हुए हमें। पहले हमें हमारा बहुत बुरा हाल था, आर्थिक तंगी भी थी, काफ़ी कमज़ोर थी, और जी पापा का नशा, बीड़ी पीते थे खूब, चाहे हमारे काय बने ना बने उन्हें बीड़ी चाहिए, 2 बंडल सुबह मंगा लेते थे। मम्मी भी काफ़ी बीमार रहती थी, बीमारी काफ़ी थी हमारे घर में। हल्का सा मैं इधर उधर खेल कूद भी कर लिया या वेट उठा लिया, मेरी काफ़ी नाभि डिग जाती थी, नाभि गिर जाती थी, और उसका इतना इलाज कराते थे जी, हम बहुत ज़्यादा इलाज कराते थे, उसका बिल्कुल भी हल नहीं निकलता था, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती थी। उसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते ही हमें, मेरे को तो जी पहला लाभ पहले दिन से ही हो गया था। उसके बाद जी पिताजी की बीड़ी भी छूट गई। सबसे बड़ा लाभ तो हमारे अगड़ पड़ोस भी और वैसे भी सभी भाई बंध भी ये मानते कि ये 8 साल के थे जब से बीड़ी पीने लगे थे पिताजी मेरे, और अब उनकी 55 साल की उम्र हो रही है, अब तक बीड़ी पीते थे वो, अब इतने गुरु बना लिए, इतने नियम उन्होंने रख लिए, दवाई खा ली, किसी से भी बीड़ी नहीं छूटी उनकी। और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते के साथ ही उन्होंने पहले दिन से बीड़ी रख दी थी और उनकी बीड़ी छूट गई। उसके बाद जी लाभ आपने पूछे, लाभ काफ़ी हुए जी मुझे। एक बार की बात है, मेरी मम्मी के बच्चादानी में रसोली होगी, डॉक्टर है हमारे यहाँ पर रजनी गुप्ता, महंगी डॉक्टर है जी, तो मम्मी उससे पहले इलाज करा रही थी। एक दिन उसने क्या कहा मम्मी से कि भाई अपने घर से किसी को लेके आओ, तो मम्मी मुझे लेके चली गई। तो मैं गया वहाँ पे, उसने मेरे को जाते ही बहुत ज़्यादा डांट मारी कि भाई इलाज नहीं करा सकते तुम ऐसे ऐसे, और 1 लाख रुपए लगेगा और 3 खून की बोतल लगेंगी, कल लेके आ जाना, अगर अपनी मम्मी को बचाना है 1 हफ्ते के अंदर ये हो जाएगा इनका काम, मर जाएंगी ये अगर ऑपरेशन नहीं कराया। मैं घर आया जी, घर आते ही मैंने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ प्रार्थना करवाई जी। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ से आदेश आए कि भाई आप आज मत जाओ, कल जाना जब संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आ जाए किस अनुसार आपको चलना है। तो जी अगले दिन 12 बजे आदेश आना था, अगले दिन 12 बजे मैंने फ़ोन किया, संत रामपाल जी महाराज का उधर से आदेश आया कि जी परमात्मा बहुत दया करेंगे। संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया और हमने दंडवत प्रणाम करी, दंडवत प्रणाम करते ही वो रोग आज छूमंतर हो गया जी, उस बातों को 7 साल हो गए, बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई। उसके बाद सर जी मेरे पेट में इतना इन्फेक्शन हो गया, बहुत ही ज़्यादा दर्द रहने लगा, कुछ खाया नहीं जाता। 21 दिन तक जी मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा, हमारे यहाँ चौहान हॉस्पिटल है वहाँ पे मैं एडमिट रहा। तो एडमिट होए होए मेरे को संत रामपाल जी महाराज ने प्रेरणा करी कि भी नाम शुद्ध कराया जाए, तो जी मैं डॉक्टर को कह के निकला कि मैं अभी आ रहा हूँ। तो जी मैं घर नहीं गया, सीधा हमारे यहाँ मुंडका आश्रम है वहाँ पे पहुँचा मैं। जाते ही मैंने वहाँ पे सिचुएशन बताई जी, ऐसे ऐसे बात है, मेरे साथ ये घटना घटी है और दवाई बिल्कुल काम नहीं कर रही है। तो जी मैं नाम शुद्ध करा गया, शुद्ध कराने के आने के बाद सर दवाई मेरे जो रखी थी ना मैंने फेंक दी कि संत रामपाल जी महाराज जब कैंसर तक सही कर रहे हैं तो मेरे पेट का दर्द क्यों नहीं सही करेंगे। और वो दिन है आज का दिन है, बिल्कुल सही हूं मैं। उसके बाद जी हमारे ना ऊपर किराएदार रहते हैं, उन्होंने लैटरिन के अंदर जी कुछ फंसा दिया कपड़ा वगैरह, और हम 1 हफ्ते से परेशान थे कि वो लैटरिन सही हो जाए। उसके लिए हमने 3-4 कारीगरों को, सफाई करने वालों को बुला लिया, उन्होंने कह दिया ये नहीं सही होगी, ये अब ये पूरी फटेगी, पूरी फाड़ेंगे इसे, पूरी तोड़ेंगे। तो जी मैं लैटरिन के बाहर ही बैठा हुआ था जी, तो मैंने प्रार्थना कर ली जी, ये देखो आप चमत्कार संत रामपाल जी महाराज का, कि वो प्रार्थना करते के साथ ही मैंने प्रार्थना करी है जी, और उधर से वो पानी सारा नीचे खरड़ खरड़ हो गया, जैसे किसी ने इसमें डंडा बांस जैसे नया पाइप लगा दिया हो, ये चमत्कार हुआ जी मेरे साथ। उसके बाद जी मेरी गुड़िया है, छोटी गुड़िया है 8 महीने की, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बज गए थे जी, वो रोते रोते उसका बहुत बुरा हाल हो रहा था, पता नहीं उसके क्या था क्या नहीं था। डॉक्टर को भी दिखाया उस दिन हम ले जाके, उन्होंने भी दवाई वगैरह दी, उसके कोई आराम ही नहीं हुआ, रोती रही शाम तक। मेरे पापा जी दूसरे कमरे में लेटे थे, उन्होंने वहाँ लेटे लेटे आवाज़ लगा रहे हैं,
कि एक बार भाई प्रार्थना कर लो। तो जी मैंने और मेरी वाइफ ने दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करी भगवान संत रामपाल जी महाराज दया करें। आप विश्वास करना जी, गुड़िया के पास एक चप्पल पड़ी थी, वो जहाँ रोने लग रही थी उसके पास चप्पल पड़ी थी, उसने चप्पल उठा के तुरंत मुंह में डाल ली, तुरंत मुंह में डाल ली और खेलने लगी, फटाफट ऐसे खेलने लगी बहुत। फिर उसने दूध भी पिया और पूरी रात आराम से सोई। और एक लाभ मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, मेरी बहन है उसकी शादी को जी 5 साल हो गए थे, 5 साल में उसकी सास ने उसे बांझ कहना शुरू कर दिया था कि ये बांझ है, उसके कोई बच्चा नहीं हो रहा था जी। और इतने डॉक्टरों को हमने दिखा लिया था जी, पूरे डॉक्टर कहीं छोड़े ही नहीं थे, हर जगह इलाज करा लिया था, उन्होंने सबने कह दिया था कि ये कभी माँ नहीं बन सकती। तो हमारे साथ जब ऐसी अनहोनी की भगवान ने, संत रामपाल जी महाराज ने, तो हमने उसके आगे भी जिक्र करा कि बहन ऐसे ऐसे नाम लो आप और प्रार्थना करो, आपको भी भगवान दया करेंगे। तो आप यकीन मानना जी, नाम लेने के 10 महीने 15 दिन में उसके एक पुत्र हुआ है जी, और उस पुत्र का नाम संत रामपाल जी महाराज ने साहिल दास रखा है। संत रामपाल जी महाराज की दी हुई आत्मा है जी ये, अपने कोटे से दी उन्होंने आत्मा, नहीं तो उस बहन के कभी होना ही नहीं था। उन्हें मैं कहूँ जी आपको, 25 डॉक्टरों ने उसे नील बता दिया था कि ये कभी माँ ही नहीं बन सकती। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। यहाँ एक विचारणीय विषय है, आपने बताया कि पहले आपके पिताजी आशुतोष जी महाराज के पास गए और राजेंद्र सिंह जी महाराज के पास गए, आप लोगों ने बहुत सारे गुरु बनाए, ना तो आपके पापा का नशा छूटा और ना आपकी दिक्कतें दूर हुई, फिर आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपकी ये सारी समस्याएं ठीक हो गई। और आपने बताया कि आपकी बहन के 5 साल से संतान नहीं थी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको संतान हुई, तो ऐसा कैसे संभव हो रहा है? पहले आप चारों दिशाओं में घूमते हैं, सभी देवी देवताओं के पास जाते हैं और गुरु भी बनाते हैं, आप वहां से ठीक नहीं हो पाते और संत रामपाल जी महाराज से ठीक हो जाते हैं, ये क्या कारण है? ये सबसे बड़ा कारण है जी सतभक्ति का, कि जो हम पहले भक्ति कर रहे थे जी वो अनुपासना कर रहे थे, अब संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें जो मंत्र दिए हैं वो सारे हमारे वेदों से हमारे ग्रंथ से मैच खाते हैं जी। जो सतभक्ति आप करोगे तो लाभ मिलेगा, सतभक्ति नहीं करोगे उसके अपोजिट चलोगे तो लाभ नहीं मिलना। तो ये सारा खेल जी संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें भक्ति बताई है, नियम बताए हैं, मर्यादा बताई है और वेदों में प्रमाणित है जो भक्ति, उस भक्ति के कारण ये सारा लाभ मिल रहा है जी। सर, यहाँ पे एक और विचारणीय विषय है कि लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की और ब्रह्मा विष्णु महेश की इस तरह की पूजाएं छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है जी। संत रामपाल जी महाराज तो खुद कहते हैं कि जी वो यहाँ के प्रधान है। संत रामपाल जी महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं है, बल्कि भक्ति बताते हैं कि इस तरीके से भक्ति करो, इस तरीके से आपको लाभ देंगे। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, जो भक्तजन आज मेरे को सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ। संत रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, रोज सत्संग आता है साधना चैनल पे 7:40 से 8:40, आप प्रतिदिन एक सत्संग सुनना शुरू करें, उसके नीचे हेडलाइन चलती है, उससे आप बुक भी मंगा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज का आप ज्ञान देखें, मैच करें अपने वेदों से, गीता जी से, जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं साधना चैनल पे और भी विभिन्न चैनल पे, उसके नीचे एक पट्टी चलती है जी, उस पे फोन नंबर आते हैं, उस फोन नंबर से आप फोन करके संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। आपके आसपास के हर जिले में संत रामपाल जी महाराज ने नामदान केंद्र खोले हुए हैं, फोन करके आप पता कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8-222-880-541, 8-222-880-542, 8-222-880-543, 8-222